हेलो गाइस, माय नेम इज़ किरण। वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे अरबी के पकोड़े। तो मैंने सबसे पहले आधा किलो अरबी ली है, इसको अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया है। अब इस अरबी को हम कुकर में डाल देंगे और दो गिलास पानी ऐड करेंगे इसमें। तो अरबी को हम इवनली स्प्रेड कर लेंगे ताकि अरबी अच्छी तरह से भीग जाए पानी के अंदर। तो हम कुकर को बंद कर देंगे और इसको हाई फ्लेम पर पकाएँगे। तो तीन सीटियां मरवानी है। तीन सीटियों आने के बाद हम कुकर को बंद कर देंगे और इसकी अच्छी तरह से ध्यान से बाफ निकाल कर इसको अरबी को किसी और बर्तन में निकाल के थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो इसका हम छिलका उतार लेंगे और उसको साइड पे रख देंगे। तो देखिए, इस तरह से आराम से छिलका उतारना है इसका। तो जब इसके सारे छिलके उतर जाए तो इसको हम हाथ से ही मैश कर लेंगे, जैसे हम आलू को मैश करते हैं ना, सेम वैसे ही। तो आप फॉक का भी मदद ले सकते हो। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। तो मैंने आधा चम्मच अनारदाना पाउडर, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच ज़ीरा, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चौथाई हल्दी और आधा चम्मच अजवाइन ली है। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और साइड पे रख देंगे। अब एक कटोरी में हम दो कटी हुई मिर्च, जीरा, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, आमचूर, अजवाइन, इन सबको हम मिक्स कर देंगे। इन सब की क्वांटिटी मैंने एक एक चम्मच ली थी। तो इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब इस मिक्सचर को हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इवनली स्प्रेड कर देंगे। अब हमने जो अरबी की स्टफिंग तैयार की थी ना, उसको एक ऐसे बॉल साइज लेंगे और इसको अच्छी तरह से हम कोट कर लेंगे उस मसाले के साथ जो अभी हमने बनाया है। तो ये देखिए, इस तरह से हम इसको कोट करेंगे। तो बाकी के पीसेस को भी हम इसी तरह बॉल साइज लेंगे और सभी को ऐसे कोट करते जाएंगे। तो ये देखिए, सभी पे अच्छी तरह से कोटिंग हो गई है। अब इसके बाद हम एक पैन लेंगे और पैन में हम कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और उसको अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। अब हम तीन तीन के बैचेस में या चार के बैचेस में अरबी के पकौड़े ऐड करेंगे। इसको हम दो मिनट के लिए सेकेंगे और इसको फिर पलट लेंगे। तो आप पलटने के लिए चम्मच का यूज़ भी कर सकते हो, अगर पलटने में थोड़ी सी मुश्किल आ रही हो तो। इसको हम जेंटली प्रेस करेंगे और इसको भी हम दो मिनट के लिए ऐसे सेकेंगे। तो इस तरह से हम इसे जेंटली फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारे जो अरबी के पकौड़े हैं वो अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। तो इसको हम आराम से निकाल लेंगे और जो हमारे बाकी के पकौड़े हैं उसको भी हम इस तरह से फ्राई कर लेंगे। तो देखा आपने, इसको बनाना कितना ही आसान है। ये रेसिपी पहले भी मैंने अपने चैनल पे डाली हुई है, लेकिन तब मैंने जस्ट अभी स्टार्ट ही किया था, तो वो मैंने बहुत धीरे धीरे बताया था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो ट्राई ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर छोड़ के जाना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।